नंबर टेन. नंबर टेन ऑफ एक्सरसाइज 4.1. नंबर टेन निकाल फटाफट जल्दी. सोनू आप दिखा दो भाई जो रेडी है फटाफट वो दिखाओ पहले. थोड़ा सा दूर करो स्क्रीन और स्क्रीन पर क्लिक करो भाई मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम इस बेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही इस्तेमाल करना है. क्वेश्चन में आपको स्मॉल दिया है आपने अपने जो आंसर है उसमें कैपिटल एम और एन यूज किए हुए हैं. ठीक है सेकंड थर्ड इज आल्सो ओके. फोर्थ दिखाइए फोर्थ डी पार्ट डी पार्ट. ओके फाइव इज वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ये हम लोग क्लास में कल कर चुके ना ऑलरेडी. यस मैम मैम हमने नहीं ली थी क्लास. ओके वेरी गुड वेरी गुड. ओके ये कौन है दिव्या. यस मैम दिव्या एक मिस्टेक कर दी आपने. चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट में देखते हैं. वेरी गुड ओके सही किया. आ जाइए सोनू भाई. हाँ जी दिखाई नहीं दे रहा बेटा. एक तो ये पिंक पिंक पता नहीं क्या हो रखा पूरा. हाँ ठीक है मेरे को क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन वर्कआउट दिखाइए 67 पेज का. आपने कभी भी गलत किया हुआ है. सोनू इस साइड करो डी पार्ट निकालो. क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 का डी देखो फ्रॉम देयर प्रोडक्ट बोला था. फ्रॉम के बाद वाली डिजिट आगे होती है आपने पीछे लिखी हुई एक्स वाई. आवाज आ रही है सोनू. यस मैम ठीक है. एक्स वाई को आपको आगे रखना क्योंकि वो फ्रॉम के बाद है भाई. और x प्लस वाई पे अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ब्रैकेट लगाइए इससे पता चलेगा कि डिजिट एक है. ठीक है पेंसिल से सर्कल करिए अगर आपका कुछ मिस्टेक निकलता है. पेंसिल से सर्कल करिए उसको करेक्ट करके अभी लिखिए बाकी बाद में करेक्ट करना. ठीक है पेन से प्रॉपरली साफ सुथरा बाद में लिखना. ठीक है ई पार्ट दिखाओ एक बार सोनू. ई पार्ट ई पार्ट ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 ई पार्ट. वेरी गुड ठीक है. क्वेश्चन वर्कआउट पे आइए नीचे. फर्स्ट क्वेश्चन ओके ठीक है. अच्छा एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर सी में बेटा ए स्क्वायर कहाँ चला गया. क्वेश्चन नंबर सी में और क्वेश्चन नंबर बी में वाई कहाँ चला गया. एक्स लिखा है सर. और 14 कैसे आएगा भाई. एक माइनस में एक प्लस में. माइनस प्लस क्या होता है. माइनस तो फिर आपने प्लस कैसे कर दिया 14 बी पार्ट में. 5 जो है वो माइनस में है 9 जो है वो प्लस में है. तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए 4 आना चाहिए और एक्स और वाई दोनों आने चाहिए. सर्कल करिए इसको भी पेंसिल से जल्दी और नीचे सी को भी सर्कल करिए. ए स्क्वायर आना चाहिए जल्दी जल्दी करिए फटाफट. गुड नीचे भी
और लिख लो क्या मिस्टेक है, वहां पर y लगाना है, वहां पर a स्क्वायर लगाना है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे जल्दी। विवेक आप भी साथ साथ दिखाते जाओ भाई वर्क। सेकंड क्वेश्चन निकालो, पहले क्वेश्चन वर्कआउट कर, जितना इनका है साथ साथ मैच कर लेते। क्वेश्चन वर्कआउट का सेकंड निकालो विवेक। वन सेकंड। सोनू क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने क्या किया है, ये तुम भी निकाल लो भाई। थर्ड क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड है तो पता ही नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड का जरा ये देखो, सी पार्ट, इसमें वाई तो लगा ही नहीं है, आपने कहां से लगा दिया सी? ये डी पार्ट है, 3xy, पता नहीं कहां से लिखा हुआ है भाई। एक में xy लिखा है, एक में x लिखा है, लास्ट वाले इसी पार्ट में देखो, ठीक करो उसको। थर्ड पार्ट निकालो, थर्ड पार्ट, थर्ड निकालो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इसमें। ओके, थर्ड क्वेश्चन सबने गलत किया हुआ है, ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विजिबल बोर्ड, बोर्ड विजिबल है सबको। अब क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर देखेंगे जिसमें सबने मिस्टेक की हुई। आदित्य का है, चलो ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐड और सबट्रैक्ट मैं आपको करवा दी थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम इसमें जो अल्फाबेट्स हैं यानी जो वेरिएबल्स हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं बताया या आपने नहीं सुना या कोई क्लास मिस हो गई तो अभी सुन लेना। ये जो आपको वेरिएबल दिए होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं दिए होते, ये आपको ये बताते हैं कि जो डिजिट दो आपको दी है ना, जो दो डिजिट आपको दी है, आपस में ऐड हो सकती है या ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, इसीलिए आपको ये वेरिएबल दिए जाते हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर वेरिएबल दोनों में सेम है तो ये ऐड भी हो सकते हैं और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर दोनों में वेरिएबल है अलग, देख रहे हो, तो ये ना ही ऐड होंगे और ना ही ये होंगे सब्ट्रैक्ट। इसमें क्या अलग है दिखाई दे रहा है विवेक? यस मैम। बताओ क्या अलग है जरा। मैम मैम ए के ऊपर मैम टू लिखा, मैम नीचे मैम बी के ऊपर टू लिखा है, नहीं स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर थर्ड और फोर्थ में किया है ना, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने अल्फाबेट देखा नहीं, सीधा प्लस माइनस करना शुरू कर दिया। थर्ड में सारे नंबर्स पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जैसे आपको दिया हुआ है टू और थ्री बी को ऐड करिए, तो ये ऐड कैसे होंगे, टू ए प्लस थ्री बी, मगर ये वेरिएबल सेम नहीं है तो ना ही ये ऐड हो सकते हैं ना ही इस स्टेप से आगे जा सकते हैं, समझे? ये आंसर यहीं पर फिनिश हो जाएगा, समझ में आया कुछ? यस मैम। यस मैम। सुनो ट्राई किया करो बेटा, फोन को ना एक जगह रख दो, अगर आपका फोन पकड़ने में ध्यान लगा रहेगा तो आपको क्लास में समझ नहीं आएगा। फोन को एक जगह रख दो, स्टैंड से बना लो कि थोड़ी देर
फोन को रख दीजिए एक जगह पर। अच्छा एक चीज और जो आप लोगों ने मिस्टेक की, स्पेशली दिव्या ने मिस्टेक की है, आपने यहाँ लिखा है और शायद विवेक आपने भी की हुई है, यहाँ पर आपने ये किया हुआ है और इसके बाद आपने सीधे लिख दिया कि ऐड करने पे तो 10x, यहाँ पर आपने 10x कर दिया, करेक्ट। तो ये आप स्टेप्स काटेंगे तो भी उतने ही कटते जाएंगे। अगर एंड है तो पहले उसको इसने बनाइए ऑपरेशन में, फिर आप यहाँ पर लिखिए कि 10x आएगा या y आएगा। अगर एड सब्ट्रैक्ट आपको करना है आप रफ में करिए, चाहे मत करिए, मर्जी आपकी। अगर क्वेश्चन को जब आप फॉर्म करेंगे, जब आंसर को फॉर्म करेंगे तो उसको तरीके से फॉर्म करेंगे। आंसर का नंबर हाफ होता है, नंबर जो आपको मिलते हैं वो मेथड के मिलते हैं। आंसर चाहे गलत हो, अगर मेथड सही है, अप्रोच सही है, डिजिट सही लिखी हुई है, तो सिर्फ आधा नंबर का आंसर है। तो ये मिस्टेक्स जो है, बेसिक मिस्टेक्स आपने की हुई है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में, इसको सब अपने करेक्ट करेंगे। अगर वेरिएबल सेम है तो ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वरना नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत है भाई इसमें? मैम ओके, अब आपको एडिशन सिखाते हैं 5.2 में। ऐड करने के या एडिशन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है जैसे हम सम की तरह उतारते हैं वैसे, और एक जैसे हम उतारते हैं वैसे। दोनों तरीके सिखाऊंगी। अगर आपको लिखा हुआ है प्रॉपरली कि यही मेथड यूज करो, तब तो आप पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे, वरना जो आपको अच्छा लग रहा है वो मेथड यूज करो। समझ गए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, किस में से? फ्रॉम में से, फ्रॉम के बाद एक्स 5x² माइनस 3y². अब मैं अगर स्टेटमेंट वाला मेथड कर रही हूँ, सोनू मुझे बताइए सबसे पहले कौन से डिजिट लिखूं मैं? मैम पहले पीछे वाली। गुड, तो यानी पहले मैं पहले 5x² लिखूंगी, फिर माइनस लगाऊंगी 3y² लिखूंगी, क्योंकि दोनों साथ में ही लेके चल रही है, फ्रॉम के पीछे दो डिजिट है, इसको एक ट्रीट करेंगे, ठीक है? फिर फ्रॉम है, फ्रॉम यानी सब्ट्रैक्ट बोले तो माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है? माइनस का साइन लगेगा तो ब्रैकेट भी लगेगा, कि एक से ज्यादा डिजिट है, समझे? विवेक आपके लिए भी बोल रही हूँ, फोन को एक तरफ रख दो। x² प्लस y², अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि दो डिजिट है, जब ये ब्रैकेट खुलेंगे ना तो माइनस जो है जितने भी अंदर डिजिट्स होंगे सबके साइन चेंज कर देंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, सपोज आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आपने सिर्फ x² का साइन चेंज किया, जबकि होना कितनों का था? जितने अंदर डिजिट्स है सबका। समझ में आया ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? यस मैम। समझ में आ रहा है? इस स्टेप पर आपको समझना है, इस स्टेप पर आपको मेरे से पूछ लेना है, ठीक है? अब चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले सबके साइन एक करेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है, कहीं पर माइनस, दो साइन एक प्लस एक माइनस, पहले सबके साइन एक बराबर करेंगे, ब्रैकेट को सबको हटाएंगे। तो माइनस जब अंदर होगा तो इसका साइन माइनस है बाहर, और एक्स स्क्वायर का प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसके आगे माइनस साइन है। अब y स्क्वायर के आगे भी प्लस साइन है और बाहर माइनस है, तो इसके आगे भी कौन सा साइन लगेगा? माइनस। जब भी ब्रैकेट लगा होता है ना, इसका मतलब है कि ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। अगर साइन है तो साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम साइन कैसे यूज करते हैं, जो माइनस प्लस करके हमारा आंसर। समझ गए बात? कोई दिक्कत है अभी तक? अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर अच्छे से स्क्रीन को देखो। कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। पक्की बात? नो मैम। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ और जितनी भी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लेकर आएंगे। मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाए, तो मैं दूसरी एक्स स्क्वायर ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल गई है, ठीक है? मेरे को क्या हुआ, यहाँ पर मिल गई एक्स स्क्वायर।
तो सबसे पहले जो पहले डिजिट लिखी है वो यानी 5x2, और फिर यहाँ पर माइनस का x2 है, ये x2, ये एक साथ हो गए। दूसरा है -3y2, इसके साथ और है -y2, हो जाएगा। यस मैम, ये दोनों लाइक टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, आंसर क्या आएगा? अगर इन दोनों में सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आएगा? और विवेक आप इसका बताओ, इसका क्या आंसर आएगा भाई? दोनों आंसर बताओ भाई। x2 माइनस वन ऐसे कैसे? देखो एक्स स्क्वायर को तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, ये 5 है और ये 1 है, तो 5 में से 1 गए, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4, 4 के बीच। अब विवेक आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, -3y2 और -y2? सम 3y2 ये आएगा, मैम 2 -2 आएगा, नहीं ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस किया तो कितना आया? 4, 4y2, और साइन बड़े वाले का, समझे? यस मैम। एक बार ये क्वेश्चन खुद से करके देखो, मैंने क्लीन कर दिया, ए पार्ट सारा खुद से करके देखो। जल्दी करिए, मैम
मैम हो गया
क्वेश्चन हो गया। आगे से और भी ट्राई करो बेटे क्लास में। अभी कहाँ, अभी तो क्लास खत्म ही नहीं हुई, अभी तो चल रही है। क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद आया करो। हाँ जी, अब देखो समझ में आया? समाज के लिए सही आ रहा है? यस मैम। किसका गलत आ रहा है मेरे को बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। मैं, हमारा मैम बी वाले का गलत आ रहा है। बी वाला था मैम, क्वेश्चन नंबर बी समझ में नहीं आया। ओके, बी देखो, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले, माइनस है तो माइनस का साइन, दूसरी डिजिट उतारने से पहले ब्रैकेट, ये चीज समझ में आई? यस मैम। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये आ गया ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस का साइन। देखो माइनस का सिंपल से रूल है, अगर ए में प्लस का साइन है, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बी में माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, समझ गए? अब लाइक तो कहाँ करना है, एक साथ, तो एक ये ए है, एक माइनस का ए है, ये बी और ये बी भी लाइक टर्म्स है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी वन ए है। ठीक है, अगर विवेक मैं आपको एक एप्पल दे रही हूँ, यानी एक प्लस मैंने आप में कर दिया और फिर एक वापस भी ले रही हूँ या फिर माइनस भी कर दिया, तो आपके पास कितने बच गए? एक भी नहीं, बी टू स्क्वायर जीरो। तो एक ई ए था और एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो आपस में माइनस हो गए, दोनों कट गए। यस मैम। बी प्लस का है, यानी पहले मैंने आपको एक बॉल दी, फिर दोबारा एक और बॉल दे दी, कितने हो गए? दो। दो। इजी। आ गई बात? यस मैम। दो भी। समझ गए? यस मैम। अच्छा, इस मेथड से पहले आप क्वेश्चन नंबर वन करना, कल समझाऊंगी दूसरा मेथड, वरना अभी कंफ्यूज। मैम ए वाला आपके दिमाग में? मैम ए वाला कर लिया। ठीक है, ई तक फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं होमवर्क में। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू दोनों सेम है, दोनों करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन और टू। ठीक है, यस मैम। ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर टू में आपको लिखा है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कंबाइन करना मतलब ये वाला स्टेप करना, जो सेम सेम है उनको एक साथ लिखना। समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो सेम जैसे फर्स्ट किया है आप सेकंड करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। दिव्या को प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। ओके, हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, फिर कल करते हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर दूसरा मेथड बहुत आसान है, मगर ये आपको करके लाना है। आदित्य कल से आप क्लास में टाइम से हो, वरना मैं आपको क्लास में बैठने नहीं दूंगी। ठीक है? यस मैम। अपना होमवर्क जरूर लिखिए, क्वेश्चन नंबर वन और टू सारे पार्ट्स। वन और टू? यस मैम। क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ऑल पार्ट्स मैम लिख लिया। गुड। फर्स्ट सेकंड और